हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टैली और अकाउंट्स में। मैं रोहित आपके साथ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में आप सिंगल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम में स्विच कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप टैली ERP 9 यूज़ कर रहे हैं तो डबल एंट्री सिस्टम से अगर आपको सिंगल एंट्री सिस्टम में स्विच करना है तो जो इसका शॉर्टकट होता है वो होता है F12। आपको गेटवे ऑफ टैली में F12 दबाना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे वाउचर एंट्री वाले ऑप्शन में जाना होता है और यहाँ पे आपको एक सेकेंड ऑप्शन दिखता है जो कहता है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट काउंटर। तो बाय डिफॉल्ट सिंगल एंट्री सिस्टम होता है तो आपको यहाँ पे नो करना होता है ताकि डबल एंट्री सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेट हो जाए। तो हम लोग जो भी एंट्रीज यहाँ पे पास करते हैं चाहे रिसिप्ट में पेमेंट में, ये डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से करते हैं जिसमें आपको डेबिट और क्रेडिट करके ऑप्शन दिखते हैं। तो ये तो बात थी टैली ERP 9 की। अब ये ऑप्शन आपको टैली प्राइम में कहाँ मिलेगा? देखिए, अगर आप F12 दबाते हैं तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वाउचर में जैसे आप जाएंगे, यहाँ पे आप F12 दबाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का ऑप्शन कहीं भी नहीं है जहाँ पे आप डबल एंट्री सिस्टम या सिंगल एंट्री सिस्टम को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो जो इसका ऑप्शन है वो टैली प्राइम में यहाँ पे आपको वाउचर्स के अंदर मिलता है। जैसे आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और ट्रांजेक्शन के अंदर आप वाउचर्स में जाएंगे तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट खुल गया, या आप रिसिप्ट में जा सकते हैं F6 दबा के। तो यहीं से आप इस सेटिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम। तो जो इसका शॉर्टकट है वो है कंट्रोल और H। जैसे आप कंट्रोल और H दबाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा लिस्ट ऑफ मोड डबल एंट्री सिस्टम या सिंगल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिंगल एंट्री सिस्टम होता है तो हम यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम को यहाँ पे ओके कर देंगे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका डबल एंट्री सिस्टम मोड यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, जिसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री डेबिट और क्रेडिट अकाउंट में यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये अंतर है टैली ERP 9 में और टैली प्राइम में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।